दोस्तों आ चुके हैं लीला देख के पास, जिसमें क्या द्रौपदी चीज रन हुआ। बाबा मैं प्रतिशोध की ज्वाला में चल रहा हूँ। अब यहाँ पर होगा वनवास, जो कि जो पांडव है। क्या बात है बालोत्री, क्या बात है। मैं छोड़ दूँ दुशासन, मेरा अपमान मत करो, मेरा अपमान मत करो। अरे सुनो तो सही, अरे तुम बोला तो सही, तुम सुन ला नहीं यार, तुम बोल आगे नहीं, कौबे बोल, कौबे सुन, तेरे तो ये बोलूं, पहले आप बोल गया। अरे यार जन्मो बेटी संगागा की लड़ियो। हे राम आपके पास लगाने के लिए मैं 5 समय से इंतजार कर रहा था, वो चीज है द्रौपदी। तो प्रणाम सभी को, मेरा नाम है पीयूष रोहित, चैनल का नाम है बॉय फ्रॉम पहाड़। तो स्वागत आप सभी का एक और नए व्लॉग में। तो अभी हम जा रहे हैं, आज हमारी पूजा है वहाँ जहाँ पे पांडव नृत्य हो रहा है, तो वहाँ पे चलेंगे, पूजा में शामिल होंगे। और हमारे साथ आंसू भी जा रहा है, और आंसू के पास है नवेद, जो कि हमें वहाँ पे पूजा में रखना है, जिसमें कि पूरी पकौड़ी वगैरह है। तो अभी चलते हैं वहाँ पे, और गोली और मैं अभी जा रहे हैं, तो हम पूजा में बैठेंगे सब। दोस्तों अभी हम पूजा से घर वापस जा रहे हैं, तो ये प्रसाद मिला है। तो दोस्तों घर जा ही रहे थे कि अब हमें ड्रेस देने जाना है चाचा की, जो पांडव नृत्य वाली ड्रेस है, तो वो दे के आएंगे चाचा को, फिर मिलता है आपसे। तो दोस्तों घर पे पहुंच चुके हैं, और अब खाना खाएंगे फिर चलेंगे। और ये हमारी चाची यहाँ पर झाड़ू लगा रही है, थोड़ा चाय वगैरह पी रहे हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर चलेंगे द्रौपदी चीरहरण देखने। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पर चक्रव्यूह बन रहा है कल के लिए, अच्छा तो मैं देख के आएंगे, ठीक है। तो अभी जा रहे हैं हम मांडो की तरफ, जहाँ पे पांडव नृत्य होता है, तो अभी चलते हैं तीनों भाई।
भांजे दुर्योधन कहाँ हो और आज तुम मेरे बोलने पे एक भी आवाज नहीं दे रहे हो भांजे। अरे मैं गंधार नरेश सगुनी
मैंने तो बहुत पहले ही प्रतिज्ञा कर ली थी, जब गंधारी बहन गंधारी का विवाह के दौरान, शकुनी नाम है मेरा, सुकून से नहीं रहने दूंगा किसी को। आप वहां बोल रहे गेड़ कुटा में मैंने तो कल्याण लेते ढूंढन। अरे जवाब तू यो तू सो न जवाब तू यो यत्रु ना जवाब यत्रु जो न यत्रु तो मिनते तो 24 घंटा को आई बदल पहांजे दुर्योधन कहाँ हो? ये क्रोध से काम लेने का समय नहीं है पहांजे। मामा श्री उस घमंडी द्रौपदी ने मेरा जो अपमान किया है, जब तक उस घमंडी द्रौपदी को मैं सबक कहीं सिखा दूंगा, तब तक मेरे भीतर की प्रतिशोध की ज्वाला जो ही तड़कती रहेगी मां बाप रे तड़कती रहेगी। आपकी ये मनोकामना भी पूर्ण होगी बहाने, लेकिन पहले क्रोध को छूट दो। आप जो हैं हस्तिनापुर जाकर के और अपने पिता श्री धृतराष्ट्र से कहिए कि पांडु भाई जितने भी आपके उन पांचों भाइयों को बुलाकर युद्ध क्रीड़ा का आयोजन किया जाए। और वैसे भी क्षत्रिय तो युद्ध और युद्ध क्रीड़ा को कभी संक्राते नहीं। अवश्य मामा श्री अवश्य। पिताश्री मैं आपसे एक अनुमति लेना चाहता हूँ। पिताश्री अनुमति कैसी अनुमति पुत्र कैसी अनुमति? पिताश्री मैं चाहता हूँ कि हमारे जो भाई हैं मैं उनको हस्तिनापुर बुलाऊं, और हस्तिनापुर बुलाने के पीछे का सबसे बड़ा कारण यह है कि हम भाइयों के बीच में जो दूरियां है वो दूरियां हमेशा हमेशा के लिए मिट जाए। और सोचा है कि सारे भाई मिल करके क्यों न एक बार पहले की भांति युद्ध क्रीड़ा का आयोजन किया जाए, और सभी भाइयों में प्रेम व्यवहार रहेगा और ये एक प्रकार से मिलना जुलना भी हो जाएगा। यही हुआ है कि आपस में बैठ करके थोड़ा अपना समय भी काट लेंगे और युद्ध क्रीड़ा भी, वो तो केवल एक हमारा मनोरंजन है, हमारा कोई नुकसान किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है भांजे। युद्ध क्रीड़ा युद्ध क्षेत्र मांगा मामा परम भागी लोनी सुंदर। भ्राता श्री हम केवल प्यार प्रेम की बात कर रहे हैं भ्राता श्री, और आप सबका सत्कार भी हो जाएगा भ्राता श्री, बस इतनी ही सी दो बात है। मैंने पहले भी कहा था जुआ विनाश का कारण है, इसे बंद करवा दीजिए महाराज, यह कुलचर ही गुरुवंश के नाश का कारण बनेगा। अभी भी समय है, इसे बंद करवा दो महाराज, इसे बंद करवा दो। काका विरोध अपने शब्दों पर विरोध लगाइए, चुप रहिए। आपको इस समय में ये खेल आयोजित होते हुए नहीं देख सकते हो तो अपने आसन पर चुपचाप बैठ जाइए, नहीं तो इस राज्यसभा से बाहर निकल जाइए। युद्ध क्रीड़ा प्रारंभ की जाए। हमारे सब भाई को आपके तैयार हो चुके हैं तो फिर अब 30 मिनट और चलने की क्या जरूरत है? बाबा श्री तो क्या कहते हो युवराज युधिष्ठिर कहांजे, तो युद्ध क्रीड़ा का शुभारंभ किया जाए? तो कहांजे युधिष्ठिर आप क्या दांव पे लगाना चाहेंगे? ठीक है बहांजे युधिष्ठिर, बहांजे दुर्योधन की तरफ से भी वही लगाया जाएगा। कोई नहीं मामा, अभी तो गेम स्टार्ट हुआ है। मामा श्री ये क्या हो रहा है?
बहन के युधिष्ठिर ये दांव आप जीते, आपको बधाई है। अब मैं दूसरा पात्र फेंकने जा रहा हूँ, बताइए क्या दांव पे लगाएंगे, आपको तो इसमें जीत मिली है। बहन जी युधिष्ठिर, हमारी ओर से भी यही दांव पे लगा है, अरे बहन के तुम ना ये दांव हम जीत गए। क्या बात है बालोपरी, क्या बात है। नागपुर बहन के युधिष्ठिर, ये जुआ ही है, कभी उधर जीत होती है तो बहन के युधिष्ठिर अब आप क्या दांव पे लगाएंगे। घोड़ा सेना सारी सेना लगो, हमारे बहन जो दुर्योधन की ओर से भी यही दांव पे लगा। तो बारह जून को बहन जे ये दांव तो युवराज युधिष्ठिर जीत चुके हैं। अभी तो शुरुआत है, तुम तो ऐसे बौखला रहे हो जैसे कि तुम्हारी जीत हो। मामा श्री, मैं एक जीत नहीं आना चाहता हूँ, मामा श्री नहीं आना चाहता हूँ। शांत बहन के शांत, नीचे बैठो और मेरी बात सुनो। रुक कर आते हैं राजा श्री जी, एक तो रहने दो, हमें खोल के अंदर तो बहन जी युधिष्ठिर, आप तो युद्ध क्रीड़ा में बहुत निपुण हैं, तो खेल को आगे बढ़ाया जाए। महाराज मैंने पहले ही कहा था, जुआ विनाश का कारण है, इसे बंद करवा दीजिए महाराज, इसे बंद करवा दीजिए। आप चुपचाप अपने आसन पर बैठ जाइएगा, नवितुर बैठ जाए, नहीं तो इस राज्यसभा से बाहर निकल जाए। आओ हमारे करीब आओ और खेल पर ध्यान दो, बैठो। अब सम्राट युधिष्ठिर, आप दांव पर क्या लगाना चाहेंगे। पौ बारह जुग अठारह दो दुनी चार दुनिया। अरे बहन जी दुर्योधन, ये दांव भी अब आप नकुल को भी हार चुके हो, अब आप इसे दांव पर लगाना चाहिए। पौ बारह जुग अठारह धर्म की जय है। अरे बहन ये युधिष्ठिर, सहदेव को बताते हैं, सहदेव को हमारे पास में आओ, जय हमारा ताज लेकर आओ।
आके देखी करो तेरे तुम हमारा दास है दास। सम्राट दिल्ली से अब आप इसे दांव पे लगाना चाहिए। काओ मांगा नहीं अरपनों पीती पर्वता अर्थी माला गंदोर। तुम इतने बलशाली अपने भाई सीम को भी हार चुके हो। ये सीम बोलारा तात पर गया है तार। तुम आते इसे भी ले आओ। एक भी बाजी जीत गए तो आप अपने तीनों भाइयों को वापस ले जा सकते हैं। ये दफा का ताऊ मांगा मामा रणो मैं अपनो धंद धर भैया अर्जुना थालगुना मारफा अकृति से तमाना अभी बस तू भी एक कृष्ण सभ्य साची धरंजय लवंदो बैठारा धरम की। लेकिन सम्राट ऋषिदेव तुम तो अपने भाई धनुर्धर अर्जुन को भी हार चुके हो। अर्जुन अब तुम भी हमारे दास हो। सम्राट की दृष्टि आप अपने चारों भाइयों को हार चुके हो आपको वापस लौटा दिए जाएंगे। ये धर्म की जय। अपने आप को ही कहां पे लगा दिया सम्राट की दृष्टि। पर कोई बात नहीं कुछ ना कुछ तो जोखिम उठाना ही पड़ता है। अगर चार भाई ये दम आप जीत गए तो चारों भाई आपके वापस आ जाएंगे। अरे बहुत जी युधिष्ठिर तुम तो ये वाला दांव भी हार गए। सारे हमारे दास हैं। चारों भाइयों के साथ साथ अपने आप को भी हार चुके हो। आपके पास दांव खेलने के लिए कुछ बचा हो तो बताइए किसे दांव पर लगाएंगे। मामा जी मेरा अरे दाऊ मांगा मई सब कुछ हारी गई अरे मुगा कुछ नहीं रही बला। ब्रातादरी एक चीज है अभी भी आपके पास लगाने के लिए जिसका मैं बहुत समय से इंतजार कर रहा था। वो चीज है द्रौपदी। हे नारायण हे द्वारिका गोपीनाथ प्रभु धर्म गई गई। सम्राट युधिष्ठिर यदि आप महारानी द्रौपदी सम्राट युधिष्ठिर आप इस गांव को खेलिए धर्म की जय। कृपया जरा ध्यान दें दर्शकगण जो लोग भी अपने आवेश को थोड़ा नहीं कर पाते हैं रोक नहीं पाते हैं कृपया वे नीचे उतर जाए छत से नीचे उतर जाए। कोई भी महिला एवं पुरुष ऐसे कोई भी दर्शकगण हो कृपया छत से नीचे उतर जाए। जो अपनी भावनाओं को नहीं रोक पाते हैं नीचे उतरने का कष्ट करेंगे थोड़ा जोखिम न उठाए। आपने जो दांव लगाया था द्रौपदी को अपने सर्वनाश को मत ललकारो राजकुमार दुर्योधन। तुम नहीं जानते द्रौपदी अग्नि से उत्पन्न हुई है तुझे भस्म कर देगी द्रौपदी स्कूल की पुत्र वधु है। काका विदुर तुम हमेशा
शत्रु कई पक्ष लेते का विदुर बहन के युधिष्ठिर आपने जो दांव खेला है उस दांव को यदि आप जीत जाते तो आपका सारा राजभाग भाई सारे वापस हो गए थे लेकिन आप तो ये दांव भी हार चुके हो। दुशासन आप द्रौपदी को भी हार चुके हैं ये लोग। आप द्रौपदी हमारी दासी बन गई है। क्यों ना द्रौपदी को इस बड़ी सभा में लाया जाए। महारानी दुर्योधन ने आपको राज दरबार मुझे दुर्योधन ने राज दरबार में बुलाया है वो किसने युधिष्ठिर ने पांचों भाइयों सहित आपको भी दांव पर लगाया है किंतु वे सभी दांव हार गए। दांव प्रतिहारी दुर्योधन से कह दो मैं राजसभा में नहीं आ सकती। और जहाँ कहीं भी वो दासी बैठी है उस दासी के केसों को उसे घसीटते हुए इस बड़ी राज्यसभा में ले आओ। द्रौपदी तुम्हें भ्राता दुर्योधन ने सभा में बुलाया है। सुशासन मैं तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता की पत्नी हूँ और तुम्हारी भाभी हूँ। नारी का सम्मान करना सीखो सुशासन नारी का सम्मान। अब तुम कोई राजकुमारी नहीं अब हमारी दासी हो तुम। मेरा हाथ छोड़ो सुशासन मेरा हाथ छोड़ो। युधिष्ठिर तुम्हें चोर में हार चुका है। मुझे पता था तू ऐसे ही नहीं आएगी इसीलिए तेरे केस पकड़ के ले जाता हूँ मैं। चलो मुझे छोड़ दो दुशासन मेरा अपमान मत करो। मेरा अपमान मत करो दुशासन मेरा अपमान मत करो। नारी का सम्मान करो तुम्हारी सहायता के लिए नहीं है। ये सारे पांचों बच्चे अब हमारे चले द्रौपदी जिस भीम के बाहुबलों पे तुम्हें इतना घमंड था वो भी हमारा मेरी रक्षा करो मेरी
नीचे चलाओ, नीचे चलाओ, नीचे चलाओ, आप तुम सब हमारे दास हैं दास। द्रौपदी रोती हुई, चिल्लाती हुई, बिलखती हुई सभी कुरु श्रेष्ठों से पास जाती है और अपना दुखड़ा रोती है, किंतु सब मौन मूक दर्शक बने बैठे रहते हैं। और इस तरह से द्रौपदी, भीम, युधिष्ठिर अपने सहित अपने पांचों पतियों के पास अपना दुखड़ा रोती हैं। उनके बल, पराक्रम, धनुर सब विद्याओं को याद दिलाती है, किंतु महाबली वीर कहाँ है तुम्हारे पुजाओं की ताकत? उकार से कोई सूर्य धन के हाथों को जो मेरी और बड़े हैं। अरे ये दास क्या रक्षा करेगा? हे गारिका जी, हे गणेश, हाँ मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो प्रभु, मेरी रक्षा करो। हे घमंडी तासी द्रौपदी, तू मेरी तासी है तासी, तुझे सवाल करने का कोई अधिकार नहीं है। स्वास्थ्य करो तुम्हारे, स्वास्थ्य करो। चलती चलती ताजी द्रौपदी के स्वास्थ्य करो। देखो द्रौपदी, तुम्हें ये पाचा पाना विपत्ति मेरी लाज बचा लो, हे कृष्ण, हे माधव, मेरी रक्षा करो, मेरी लाज बचा लो प्रभु। लगातार अपने व्यक्ति कृष्ण रह गया था, मेरी रक्षा करो। इस तरह से लगातार अपने आराध्य देव और अपने मुंह बोले भाई कृष्ण को द्रौपदी पुकारती रहती है। उसका विलाप सुनते ही ये सारी है कि नारी है, और कहता है सारी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, साड़ी की ही नारी है कि नारी की ही साड़ी है। ये इस तरह से माता श्री, मैं बहुत बुरी तरह से थक चुका हूँ, लज्जा को बचाया जा सके। मैं द्रौपदी इस गुरुवंश को श्राप देती हूँ।
नहीं द्रौपदी, नहीं बेटी, ऐसा श्राप मत दो। धृतराष्ट्र कहते हैं, ऐसा श्राप मत दो बेटी, आप मुझसे दो वर मांग लो, जो मांगो बेटी आप। यदि आप कुछ देना चाहते हैं महाराज, तो मेरे पांचों पतियों को दासता से मुक्त कर दीजिए। ठीक है बेटी, हमने तुम्हें यह वर दिया, अब दूसरा वर मांग लो। मेरे पांचों पतियों को उनके अस्त्र शस्त्र उन्हें वापस कर दीजिए महाराज, उन्हें वापस कर दीजिए। उनका राजपाट उनको वापस कर दीजिए महाराज, उन्हें वापस कर दीजिए। ठीक है पुत्री, ये वरदान भी हमने तुम्हें दिया। एक पैसा और चला जाएगा, उसमें जो आएगा वो 12 वर्ष का अज्ञातवास होगा। तो अभी दोस्तों आ चुके हैं लीला देख के, पांडव लीला देख के, जिसमें क्या द्रौपदी चीरण हुआ। तो बाकी आज गुन्नी ने भी ज्वाइन किया है ऐसे क्या करना। तो दोस्तों द्रौपदी चीरण देख के आ गए हैं हम। तो अब यहाँ पर होगा वनवास, जो कि जो पांडव है उस आते हैं और सबके घरों में चाय पूरी पकौड़ी वगैरह होती है। तो अभी तैयारी करते हैं।